हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑन बायोलॉजी विलेज टूडे वी विल डिस्कस अबाउट ए टॉपिक ऑफ जनरल बायोलॉजी इन विच वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस ऑफ जनरल टाइप लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट प्लांट लार्जेस्ट प्लांट विद लीड लार्जेस्ट प्लांट विद लार्जेस्ट ओब्यूल्स इस टाइप के क्वेश्चन स्टडी करेंगे और माई आइडिया ये है कि इसमें से एक क्वेश्चन जो होता है जनरल एग्जामिनेशन का रहता है ठीक है तो आप लोग इसे देखें थोड़ा सा और इसमें मैंने बिड डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ठीक है जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नेशनल ट्री ऑफ इंडिया मतलब नेशनल का मतलब होता है इंडिया का ट्री या ट्री ऑफ इंडिया भी क्या बोल सकते हैं इसे तो कौन सा होता है और इसकी फैमिली और उस फैमिली का कॉमन का नेम ठीक है तो इस तरीके से आपको एक समरी टाइप का और ना भूलने वाला डिस्क्रिप्शन मिलेगा इस वीडियो से प्लीज़ आप बने रहें मेरे साथ देखिए नेशनल ट्री जो होता है सब बोलते हैं बरगद का प्लांट ठीक है फाइकस बेंगॉलेंसिस जिसकी फैमिली होती है मोरेसी इसका कॉमन नेम होता है मलवेरी फैमिली ठीक है तो मलवेरी फैमिली इसका नाम यहाँ से नहीं आ रहा है मलवेरी का मतलब होता है जो सैतूत होता है ठीक है उस वो भी इसी फैमिली का मेम्बर है सो इट इज़ कॉल्ड मलवेरी फैमिली बट इट हैज़ ऑल्सो बंगाल ट्री जो कि हमारा नेशनल ट्री है तो इसका डायग्राम भी आप देखें बहुत बड़े प्लांट होते हैं जैसे कि एक प्लांट है बहुत बड़ा सिपुर नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है अपना कलकटा में वहाँ पे और बहुत ही ओल्ड है और बहुत बड़ा है कहते हैं कि उसका एक राउंड लगाने के लिए एक यंग मैन को भी मतलब सोचना पड़ता है ठीक है तो इस तरीके से आप इसे देखें सेकेंड क्वेश्चन है कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया ठीक है सबको पता है जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट होती है उसका जो सिंबल है कमल का जो फूल बोलते हैं ठीक है थीके? वो हमारा नेशनल फ्लावर है जो बोलते हैं नीलम न्यूसीफेरा हिंदी में बोलते हैं तो लोटस इंग्लिश में बोलते हैं कमल ठीक है और इसकी फैमिली है डिलम्बोसी ठीक है ये ध्यान रखना है आपको कि नेशनल फ्लावर है लोटस जैसे कोलते हैं हम लोग बहुत फेमस होते हैं गुलाब का फूल इस तरीके गुलाब नहीं है हमारा लोटस ठीक है अब इसका आप एक बार डायग्राम देख लें किस तरीके होता है हमने बिल्कुल आपको दिखाया है ये लोटस का होता है जैसा बना होता है इनके सिंबल पे ठीक है थर्ड क्वेश्चन है कि नेशनल ड्रिंक एक नेशनल ड्रिंक भी होता है कि हम नेशनल ड्रिंक हमारा क्या है तो नेशनल ड्रिंक हमारा इंडिया का है टी मतलब हम चाय पीते हैं जो उसे तो इसका बॉटनिकल नाम होता है थियासाइनसिस एंड बिलोंग टू तो द फैमिली थिएसी ठीक है थिएसी फैमिली को बिलोंग करता है ये हमारा नेशनल ड्रिंक है ठीक है उसके बाद इसका भी डायग्राम आप एक बार देख लें इस तरीके का प्लांट होता है आप देखेंगे हमारा जो स्टेट है बंगाल बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा है या फिर आसाम ठीक है वहाँ पर इसकी एक कैश क्रॉप की फार्म में इसकी खेती की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेशनल बर्ड ठीक है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है ठीक है तो हम हिंदी दिन क्या बोलते हैं पीकॉक मतलब मोर और इसका जुलोजिकल नेम पैवो क्रिस्टस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एकोटिक एनिमल भारत का जो जलीय प्राणी जो है वो कौन सा है ठीक है तो इसका आंसर जाता है आपका गंगा की जो डॉल्फिन है उसे कहते हैं हम लोग ठीक है गंगा डॉल्फिन अच्छा अब इम्पॉर्टेंट ये कि गंगा डॉल्फिन भारत के अलावा कहाँ पाई जाती है तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में तो उसे भी देख लें एक बार ठीक है देखिए प्लेटेंसटा गंगिटिका इसका जोलॉजिकल नेम होता है और भारत के अलावा ये म्यांमार की एक रिवर है जिसे बोलते हैं बाकी लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार और उसका वहाँ पे नाम है इंद्रावती वहाँ भी इंडियन डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है मतलब गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का जलीय प्राणी है तो इसे ध्यान रखें भारत के अलावा ये म्यांमार में भी पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एनिमल कौन सा इंडिया का ठीक है नेशनल एनिमल देखिए इसमें भी बहुत डाउटफुल है थोड़ा सा कि था और अब चेंज हो गया है ठीक है नेशनल एनिमल 1972 तक था टाइगर जिसे हम बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस बट 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी ठीक है 1973 अब ध्यान रखना है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया है तो 72 तक अगर क्वेश्चन किया जाए तो इसका आंसर होगा टाइगर बट आफ्टर 1972 मतलब 73 से हमारा नेशनल जो एनिमल है वो है बाघ हिंदी बोलते हैं शेर जैसे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें गंगा डॉल्फिन का डायग्राम देखें कितनी बड़ी है और ये आपका टाइगर हो गया और ये आपका वाग हो गया सबके पिक्चर भी मैंने लगाए हैं इसमें देखें आप अच्छे से इसके बाद देखिए नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या है ठीक है तो आपका नेशनल फ्रूट क्या है आम जिसमें आज के टाइम सीजन चल रहा है मैंगो ठीक है मैंगी फेरा इंडिका फैमिली का नाम देखिए एनाकार दोनों क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं एक तो मैंगो का नाम बॉटनिकल ठीक है आपका आंसर होना चाहिए महंगी फेरा इंडिका दूसरा क्वेश्चन क्लियर आता है इट बिलोंग टू हिज फैमिली तो आंसर एनाकार डीसी तीसरा क्वेश्चन है कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है महंगी फेरा इंडिका जिसे हम मैंगो बोलते हैं अच्छा इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और आते हैं कि भारत का जो इंडिया यूपी का स्पेशली भारत का नहीं करो रहा यहाँ पे यूपी का जो आम इंटरनेशनल मार्केट में किस नाम से बेचा जाता है उसका क्या नाम है ठीक है तो उसको हम कहते हैं नवाबी आम अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन और चल रहा है आजकल अलफेंसो जो कि महंगी फेरा इंडिका जो आम है उसकी वैरायटी होती है तो मैंगो जूस आजकल जो आ रहा है कैंड मतलब जो बंद बोतल में तो ट्रोपिकाना ड्रॉप उसके लिए टर्म यूज करा जाता है वो अल्फ एंसो यूज किया जाता है ठीक ट्रोपिकाना ड्रॉप अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ट्री कौन सा है वर्ल्ड टालेस्ट ट्री तो ध्यान रखें स्टूडेंट ये जो है एनजियो स्पर्म से नहीं है फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी से नहीं आता बल्कि ये आता है जिमनो स्पर्म से जिन्हें हम कहते हैं नेग्ड सीड प्लांट्स ठीक है जिसका नाम है सिकोया गाइनटिक ठीक है आप इसका डायग्राम ये देख सकते हैं ठीक है उसके बाद देखें वर्ल्ड टालेस्ट एनजीओ स्पर्म देखिए सबसे ऊंचा तो जिम्नोस्पर्म हो गया अब एनजीओ की कैटेगरी में सबसे ऊंचा प्लांट कौन सा है वर्ल्ड टालेस्ट एनजीओ तो है आपका यूकेलिप्टस जिसे हम बोलते हैं लिप्टस जो है हमारे इंडिया में भी होता है ठीक है यूकेलिप्टस इसकी फैमिली कौन सी है मरिटेसी का मेंबर है जिसे हम मल्टी फैमिली भी बोलते हैं कॉमनली इसी के बारे में दूसरा क्वेश्चन है टेरिस्ट ऑफ प्लांट किंगडम मतलब प्लांट किंगडम का टेरिस्ट किसे कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब भी आंसर हमारा होगा यूकोलिप्टिट टेरिस्ट क्यों कहा जाता है कि, कि किसी भी जगह पे ये ग्रो कर सकता है जैसे होता है ना टेरिस्ट अटैक कहीं भी हो सकता है इसी तरीके से ये प्लांट कहीं भी ग्रो कर सकता है और दूसरे लोगों का भी खाना लाइट और उनका जो स्पेसिकली वाटर का जो कंटेंट है सोयल में ये दूर दूर के प्लांट का भी उनके हिस्से का भी उनके पार्ट का भी एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसे क्या बोलते हैं टेरर ऑफ प्लांट किंगडम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और आता है कन्फ्यूज ना हो टेरर ऑफ़ बंगाल किसे कहा जाता है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने टेरिस्ट और टेरर तो इस क्वेश्चन को वहीं पे ऐड कर दिया जिससे आपको ध्यान रहे टेरिस्ट ऑफ प्लांट किंगडम यूकोलेप्ट टेरर ऑफ़ बंगाल ठीक है बंगाल का देखिए क्या मतलब होता है इसका एक प्लांट चल रहा है इसका बाइटर हाइसेंस जिसे कॉमन बोलते हैं और इसका जो जुलूस बॉट निकलने होता है एक और ठीक है ये फैमिली पेंटेड रेसी का मेंबर है और इसकी क्वालिटी ये है कि ये किसी वाटर बॉडी जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडी होती है जहाँ पर रुका हुआ पानी होता वहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और वहाँ की जो ऑक्सीजन होती पानी में उसे पूरी तरीके से एबजॉर्व कर लेता है अब वहाँ का पानी जब एब्जॉर्ब कर लेगी ऑक्सीजन पानी से तो वहाँ पर पाई जाने जो एक्वाटिक जो एनिमल एनिमल्स वाटर बॉडी के उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं क्योंकि ये विदेशी है इन वैसे भी स्पीसीज था कि दूसरी कंट्री से आया था और इनने सबसे पहले जो अटैक किया है वो हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में किया है सो इट इज़ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रेफ्लिसिया और इसकी कौन सी स्पीसी रेफ्लिसिया तो पता होता है सबको क्योंकि रेफलिसिया जीनस है एक ठीक है इसकी कौन सी स्पीस अर्नाल्डी ठीक है फैमिली रेफलीस सी का मेंबर होता है और इसका देखिए ये जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं यहाँ पर छोटे से बच्चे इतना बड़ा फ्लावर कि इसके ऊपर देख रहे हैं इतना ऊंचा ठीक है तो मतलब इसका वजन होता है टेन किलोग्राम तक वजन इसका होता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर पहले था लार्जेस्ट फ्लावर अब है स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट फ्लावर जो आता है नाम देखिए बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है कन्फ्यूज ना होना है कि उधर है रेफलिसिया इधर है रॉबोल्फिया सरपेंटाइना ठीक है ये प्लांट का जो यूज़ होता है इसकी रूट्स का और इसकी लीव्स का वो सांप के काटने में भी होता है ठीक है और इसे हिंदी में बोलते हैं सर्पगंधा इसके नाम में यहाँ भी ध्यान रखें सर्पेंटाइना इसी से एक ऐप भी बना है जिसके गवर्नमेंट का ऐप है जहाँ पे कि स्नैक बाइट के लिए आपको बहुत इंस्टेंट अगर मदद चाहिए तो इस ऐप पे आपको वो करना पड़ता है ठीक है उसका नाम है सर्पेंटाइन उसे भी ध्यान रखें जो एक स्नैक बाइट के लिए चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फेमस है उसके बाद प्लान का कावां नेम सर्पगंधा होता है जो कि बिना बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी एपोसाइनेसी के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट और बता देता ये फैमिली जो प्लांट इसमें आते हैं इस फैमिली में वो स्पेशली स्पाइसेस आते हैं मसाले आते हैं ठीक है तो आप इस ध्यान रखिए मसालों की फैमिली का कोई आपसे पूछे फैमिली ऑफ स्पाइसेस तब तो भी आंसर एपोसाइनेसी होता है और इसी को बिलोंग करता है वर्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर ठीक है जो किस प्लांट के होते हैं राउल फ्लो या सरपेंटाइना जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्प गंदा ठीक है गंधा, इसके बाद एक बहुत ही मॉडर्न ट्रेंड देखिए ग्रीन मफलर क्या कहते हैं आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है तो ग्रीन मफलर का जो रेफरेंस होता है गाइज वो होता है कि रोड साइड जो हम प्लांट लगाते हैं ठीक है उन्हें कहते हैं जैसे हमने आपको डायग्राम में दिखाया ये देखिए ये रोड जा रहा है ये इन्होंने इसका ठीक है ग्रीनरी प्रोवाइड किए ये इसे बोला जाता है ग्रीन मफलर लाइक प्लांटेशन ऑन दी रोड साइड इसका सिंपल सा रेफरेंस होता है इसके बाद दूसरा देखिए प्लांट यूज टू तो रिड्यूस एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए किस प्लांट का हम यूज करते हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट तुलसी जो हम अपने घरों में लगा देते हैं एक हमारा हॉली प्लांट है ठीक है जिसे हम ऑसिमम सेंगटम बोलते हैं इसका एक दूसरा बॉट निकलने भी आया मगर सबसे कॉमन हैम इसका यही ऑसिमम सेंगटम और फैमिली कौन सी होती है लेमेसी को बिलोंग करता है जैसे देखिए लिखा है ना हॉलिस बेसल तो ये किस लिए लगा देते हैं एयर पोलूशन मतलब एयर को साफ करता है जैसे हम अगर अपने घर में लगा लेते हैं तो हमारे घर की एयर क्वालिटी को ये इंप्रूव करता है दूसरा ये इंसेक्ट जो होते हैं मक्खी और मच्छर इन्हें भी मतलब भगाता है एक एक्ट एज ए रिप्लेंट फॉर दीज इंसेक्ट्स उसके बाद क्वेश्चन आता है प्लांट गिप्स ट्वेंटी फोर आवर सी ओ टू देखिए प्लांट सी ओ टू देते हैं प्लांट ह्यूम लाइक लिविंग थिंग्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस तो उनका अपनी स्पेशल क्वालिटी होगी मगर रेस्पिरेशन एज ए क्वालिटी ऑफ़ लिविंग थिंग लाइक ह्यूमन बिंग हम भी रेस्पिरेशन करते हैं मगर हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते ठीक है तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि सी ओ टू का निकलना ठीक है प्लांट में सी ओ टू एंटर करती है और वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती है और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सी का बाहर आना इन इंडिया एटमोस्फीयर तो प्लांट चूँकि लिविंग थिंग है तो ये भी, भी अपना सी रिलीज करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी प्लांट सी निकालते हैं बट ये इसके केस में है कि ट्वेंटी फोर आवर सी को रिलीज करता है तो इसका आंसर होता है इमली का प्लांट जिसे हम बोलते हैं टमरेंडस इंडिका ठीक है रेट ऑफ सी ओ टू इवोल्यूशन इज हाई देन ओ टू इवोलूशन इसका कॉन्सेप्ट इतना सा है कि इसमें जब रेस्पिरेशन होता है तो सी ओ टू और ओ टू का जो रिलीज का रेट होता है कि सी ओ टू इन सी ओ टू आउट और ओ टू इन वो इक्वल होता है नियर अबाउट बट इन केस ऑफ इमली के प्लांट टमरेंडस केस में क्या होता है कि सी ओ टू जो रिलीज का रेट है वो ओ टू इवोल्यूशन के रेट से थोड़ा ज्यादा होता है सो इट इज कार्ड दैट इट प्रोड्यूस सी ओ टू ट्वेंटी फोर आवर तो इसका ध्यान रखना है आपको इसके बाद मिड रोड प्लांट या डिवाइडर प्लांटिंग जो करी जाती है उसका क्या मतलब एम होता है आपको ध्यान रखना चाहिए डिवाइडर पे जो प्लांटिंग करी जाती उसका है उसका एम होता है लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करना ठीक है गाइस ये ध्यान रखना है नॉइज़ पोल्यूशन नहीं लाइट पोल्यूशन क्योंकि आप लोग को लगता होगा ट्रैफिक है व्हीकल्स निकल रहे हैं तो वहाँ पर एक साउंड भी है तो साउंड भी मतलब नॉइज नॉइज पोल्यूशन नहीं है उसका काम होता है लाइट <coughs> पोल्यूशन को रिड्यूस करना ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लांट यूज टू रिड्यूस नॉइज पोलूशन देखिए उसका भी आंसर नॉइज पोलूशन को जो प्लांट लगाए जाते हैं वो अशोक का प्लांट लगाया जाए जिसमें बोलते हैं सारिका इंडिका ठीक है और फैमिली कौन सी है एक लेगुमलेस फैमिली का प्लांट है जैसे कहते हैं फेवेसी फैमिली और इसे सारो ट्री भी कहते हैं क्योंकि जब हम खुशी होती है ना सारो लेस ट्री बोलते हैं क्योंकि जब हम अपना कोई फंक्शन करते हैं तो हमें अशोक के ट्री के लिप्स का यूज करा जाता है सो इट इज़ नोन एज सारो लेस ट्री इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोनोकार्पिक प्लांट मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि एक ही बार जिसमें फ्लावरिंग होती हो ठीक है ऐसे प्लांट आपने सुना होगा एन सी आर टी मिन्सर ने दूसरी और बुक्स में भी लिखा है कि बंबू का जो प्लांट होता है वो मोनोकार्पिक होता है मतलब पूरी लाइफ टाइम में उसके एक ही बार फ्लावर प्रोवाइड करता है तो इसमें बम्बूसा टुलडा एंड मेलो कैना बम्बू स्वाइट्स ये दूसरा प्लांट मैं आपको बता रहा हूँ बम्बूसा तो आपने सुना होगा ये ध्यान रखें दोनों ही फैमिली पोइसी या फैमिली ग्रेमनी को बिलोंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं जो हमारी ग्रेन प्रोवाइड धान गेहूँ गन्ना और बाजरा जो जिस फैमिली में आते हैं उसी फैमिली को ये बिलोंग करता है बांस का प्लांट हिंदी में से बोलते हैं तो बांस का ट्री अब इसके देखिए दोनों प्लांट के मैंने डायग्राम लगाए हैं आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें देखिए ये जो प्लांट है आपका ये ये वाला बम्बूसर टुड्रा का है और ये मैलो का है ना बन ठीक है ये दोनों फैमिली की क्वालिटी ये होती है प्लांट्स की कि ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं दे प्रोड्यूस फ्लावर्स वंस इन कंप्लीट लाइफ स्पेंड पूरी अपनी जिंदगी में एक बार प्लांट ठीक है ये प्लांट जो है फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोइंग करने वाला प्लांट तो सभी ग्रो करते हैं मगर इतना ग्रो देखिए इसकी स्पीड देखिए आप लोग बारह फीट की ग्रोथ होती है फोर्टीन डेज में ठीक है तो ये प्लांट होता है हेस्पायरो यूका यूका का प्लांट तो सुना होगा आपने मोनोकाट होता सेकेंडरी ग्रोथ होती है मगर यहाँ वो यूका प्लांट नहीं है ये है हेस्पायरो यूका बिप्ले फैमिली लिलेसी का मेंबर है हमें लिलेसी फैमिली आपको अपने पढ़ाई भी है आप देखें इसे और इसी का मेंबर है ये और ये बारह दिन में ठीक है बारह फिट की लेंथ पकड़ता है इन 14 डेज में बहुत तेज़ ग्रोथ है ये ठीक है इसके बाद देखें ओल्डेस्ट प्लान सबसे ओल्डेस्ट प्लान का मतलब ये नहीं कि अभी तक लाइफ है ओल्डेस्ट प्लान का मतलब है कि इसके जो करैक्टर्स हैं वो बहुत ही प्रिमेटिव करेक्टर्स हैं इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है ठीक है ओल्डेस्ट पैटर्न जैसे आप किसी प्लान के बारे में कुछ करैक्टर एडवांस होते हैं और कुछ प्रिमेटिव करैक्टर्स होते हैं तो इन प्लांट के जो करेक्टर्स हैं वो मोस्टली प्रिमेटिव करेक्टर्स अभी भी हैं हर एक केस में जैसे कि हम उसका कहें उसका लिप का पैटर्न फ्रूट का स्टाइल वो सब प्रिमेटिव टाइप के हैं तो इसे कहा जाता है ओल्डेस्ट प्लांट इसमें कोई मोडिफिकेशन नहीं हुआ है लेरेज ट्राइडेंटेड जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है और इसकी जो है ग्यारह हज़ार तीन सौ ईयर से इसकी पुराना प्लांट है नो मॉडिफिकेशंस ठीक है ये आपका प्लांट था ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है ग्रोथ वाला प्लांट ठीक है फोर्टीन डेज में बारह फीट बढ़ने वाला और ये प्लांट जो आपका है ओल्डेस्ट प्लांट है ठीक है ये कि लेरेस ट्राइडेंटेड अच्छा इसमें देखिए कुछ स्मालेस्ट चीज़ें के बारे में देखिए आप लोग स्मालेस्ट एन कौन सा स्मालेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा टेडोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों कहीं ना कहीं पूछ ले जाते हैं तो स्मालेस्ट एन होता है बोल्फिया और स्मालेस्ट जिम्नोस्पर्म्स होता है जेमिया पिग्मिया और स्मालस्ट टेडोफाइट होता है एजोला एजोला के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनो के साथ संबंध बनाता Wh है और प्लांट या राइस की फील्ड में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है ठीक है अब इन तीनों के आप डायग्राम देखिए और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट भी देख लीजिए जूपिस अर्जेंटिया तो तीनों कैटेगरी के की प्लांट आपने देख लिए एक एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म रेडोफाइट एंड ब्रायोफाइट बस आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर जो प्लांट के रियल प्लांट हैं बस यही होते हैं इसके पीछे हम अगर चले जाएँ तो आपका फंजाई और एलगी रहते हैं प्लांट ग्रुप में ठीक है चार ही टाइप के मेन प्लांट होते हैं जिन्हें हम प्लांट बोलते हैं वैसे एलगी भी प्लांट में है और आपके फंजाई भी प्लांट में आते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ पर ब्रायोफाइट तो ब्राफाइस ब्रायोफाइट में आपका आ गया जूपिस अर्जेंटिया उसके पास टेडोफाइट आते हैं तो उसमें एजोला आ गया एजोला के बाद हमारा जिम्नोसपम्प्स आता है तो उसमें जैमिया पिगमिया आ गया और स्मॉलेस्ट एनजीओ बोल्फिया अब इन चारों के डायग्राम आप लोग देखें कितने छोटे होते हैं देखिए पहला ये ठीक है ये जिमनोसपम्प्स है और ये आपका एजोला का प्लांट है और ये आपका प्रायोफाइट्स है ठीक है फिर से इनके नाम देख लीजिए एक बार ये जो आपका नाम बता रहा हूँ जूपिस अर्जेंटिया तो ये वाला प्लांट होगा जूप अर्जेंटिया ये ठीक है जूपिस अर्जेंटिया इसके बाद जो हम बता रहे हैं ये बोल्फिया पहला वाला एंजियोस्पर्म वो ये वाला प्लांट है आपका ठीक है और तीसरा जो जिम्नोस्पर्म का बता रहे हैं दूसरा ऊपर से उसे देखिए आपका जैमिया पिग्मिया ठीक है आपका ये हो गया जैमिया पिग्मिया ठीक है और एजोला आपका इस्लॉल है ट्रेडोफाइट में ये हो गया कितना स्मॉल है देखिए अच्छा इसके बाद इस्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात आती है तो आपका नाम डायालिस्टर निमोनियाटिस ठीक है माइक्रॉन में इसकी वैल्यू होती है इसके बाद स्मॉलेस्ट फ्लावर कहाँ साइए स्मॉलेस्ट फ्लावर और प्लांट ठीक है तो दोनों एक ही एनजीस्पर में फ्लावर आते हैं तो फ्लावर एनजियोस में सबसे छोटा प्लांट कौन सा है बोलफिया तो फ्लावर किस में आएंगे एनजीस्पर में तो स्मॉल फ्लावर भी आपके बोलफिया में अच्छा इसके बाद स्मॉलेस्ट पैरासाइट तो अर्क्यूटोपियम ये स्मॉलेस्ट पैरासाइट होता है इसके बाद स्मालेस्ट इस क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं वो में पाए जाते हैं और लार्जेस्ट क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं ट्राइलियम में पाए जाते हैं ठीक है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट विद स्मॉलेस्ट सीड्स सबसे छोटे सीड्स कितने पाए जाते हैं इतने जैसे कि डस्ट लाइट तो सब बोलते हैं डस्ट सीड ये प्लांट होता है आर्किड्स आर्किड भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, प्लांट होते हैं जो ब्यूटीफुल प्लांट होते हैं ठीक है उन्हें ड्यूरिंग द मैरिज या दूसरी अच्छी सेरेमनी के दौरान उन्हें हम सजावट में यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट देखिए ये आर्किड्स होते हैं ये हमने पूरा आपको बंच लगा दिया आर्किड्स का ठीक है तो स्मॉलेस्ट सीड्स आर्किड के होगा अच्छा आप इसके बाद इसके अपोजिट क्वेश्चन देखिए कि सबसे बड़े सीड किस में होते हैं और उनके साथ उनके फ्रूट्स भी बड़े होंगे तभी तो सीड बड़े होंगे तो देखिए लोडोसिया मालडी ये आपको दिख रही है लेडी कुछ फ्रूट्स को देखती हुई तो ये देखिए ये फ्रूट बहुत हैवी फ्रूट्स होते हैं उसी के अंदर बहुत हैवी सीड्स होते हैं तो प्लांट का नाम क्या है लोडोसिया मालडीबिकसिया इसे हम डबल कोकोनट कहते हैं मतलब नारियल का डबल ठीक है तो आप ध्यान रखें लोडोसिया मालडिविसिया को ये ऐसा प्लांट है जिसमें से बिग सीड भी बिगेस्ट होते हैं और उसके फ्रूट भी बिगेस्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट विद लॉन्गेस्ट लीव्स लीव्स लंबी होनी चाहिए लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट की बात करी जा करिए यार तो ध्यान रखिए रैफिया जो कि पाम ट्री होता है मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूँ देखिए देख रहा है आपको ये देखिए यहाँ से इसकी लीप्स हैं इतनी इतनी बड़ी ये ठीक है उसके बाद देखिए आप पहले फिगर देख लें फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे ये देखिए ये लीफ है पहले पैरेथीन लीफ्स लॉन्गेस्ट अब है लार्जेस्ट विक्टोरिया रिजिया ध्यान रखना बहुत ही फेमस है बहुत ही सिंपल सिंपलफाई नाम होता है विक्टोरिया रिजिया लेने में आसान है ठीक है इसकी लीफ लार्जेस्ट है और ऊपर वाला जो हमने कहा था रेफीडिया के बारे में बात जो की थी ठीक है राफिया रेफिया है तो उसमें आपका जो था लॉन्गेस्ट लिप्स थी और विक्टोरिया रिजिया की लीप जो है वो आपकी लार्जेस्ट लीफ है देखिए पूरा एक व्हील लग रहा है ट्रक वगैरह का उस टाइप का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये तो क्वेश्चन आपने सुना होगा कि प्लांट विथ कई चीज़ें हैं लार्जेस्ट ओबम सेल एंथ्रोजॉइड और ओव्यूल तीनों सबसे लार्जेस्ट होते हैं पूरे प्लांट किंगडम में तो ये आंसर जाता है साइकस के केस में और स्पेसिज बता में बताऊँ स्पेसिज मेंशन नहीं करी साइकस रेवोलूटा का ये आंसर होता है जिसके एंथ्रोजॉइड्स उसका एक्सेल और उसका ओव्यूल पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है ठीक है आप देख लीजिए इतना ब्यूटीफुल फ्लावर देखिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट सेल किसके पास से? है जो सेल मतलब पूरा बन पूरा एक तो वो एक छोटा सा सुना होगा आपने पी पी एल ओ बोलते हैं पी पी एल ओ है लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये जो होते हैं माइक्रो प्लाज्मा गैली सेप्टिकम उसके बाद प्लांट विद लार्जेस्ट प्लांट सेल मतलब प्लांट और उसके अंदर लार्जेस्ट सेल सिंगल सेल नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर प्लांट है मगर उसकी एक पर्टिकुलर सेल सबसे बड़ी है प्लांट किंगडम में तो वो आपका एक सिंगल हो गया एस्टाबुलरिया क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि एक मल्टी सोलर प्लांट में सबसे बड़ी सेल ऐसा भी हो सकता है दूसरा जो यहाँ पे आंसर आता है कि प्लांट विद लार्जेस्ट प्लांट सेल तो ये प्लांट जो है एलगी है और एलगी का मतलब भी सिंगल सेल एक ही सेल होती है पूरे प्लांट में मतलब पूरे एलगी का एक ही सेल का बना होता है तो एक ग्रीन एलगी कैटेगरी में आता है और इसका आप डायग्राम भी नीचे देख सकते हैं देखिए दिस डाइग्राम एस्टा बोलोरिया एस्टाब्लोरिया का जो बहुत ज़्यादा यूज होता है इसी वजह से कि इसका सेल लार्ज होता है तो इसके क्रोमोसोम नंबर बड़े होते हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में इसका एज ए रिसर्च एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म ये प्लांट यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बुट से ठीक है बुट के बारे में तीन बातें आती हैं कि सबसे हल्की बुट किसकी होती है तो ओलिया लरीफोलिया की लिप्स होती है ठीक है इसका डायग्राम आप देखिए हैवेस्ट बहुत भारी जो इसकी लकड़ी होती है आपको दिख रहा होगा कितनी कोल्ड टिम्बर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के बारे में इसका अपोजिट कि लाइटेस्ट तो लाइटेस्ट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है दो चीज़ें नेट पे आ रही हैं और दूसरी बुक से में भी दो चीज़ें का इंफॉर्मेशन मिली है बालसा वुड होता है एक ठीक है बालसा एक ट्री होता है जिसको हम फैम कहते हैं औक्रोमा पाइक प्राइमिडेल ठीक है जो कि कॉटन फैमिली मालवेसी का मेंबर है इसकी ट्री आप देख सकते हैं कितना क्लियर कट ये लाइटेस्ट वुड का या फिर एक्रोमीटो गोनस प्लांट का भी नाम आता है जिसकी ट्री जो होता है बुड बहुत ही लाइटेस्ट होती है मतलब हल्के वेट की होती है इसके अलावा एक सीडर होता है सीडर मतलब जिम्नोस्टोरिक प्लांट होता है उसकी भी लकड़ी जो होती है बहुत ही ज़्यादा लाइटेस्ट बुड में काउंट करी जाती है ठीक है तो इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल बायोलॉजी के तो आप इन्हें ध्यान रखें और वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है इस डायग्राम भी इनके ध्यान रखें जैसे ये कि आपको बने रहें आसानी से माइंड में जैसे ये देखिए ग्रीन मफलर तो ये रोड साइड ट्री होता है क्यों करा जाता है ठीक है तुलसी का क्यों यूज़ करा जाता है ठीक है एयर पोल्यूशन के लिए इसके अपोजिट नॉइज़ पोल्यूशन के लिए अशोक को यूज करा जाता है डिवाइडर प्लांट जो क्यों लगाए जाते हैं लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए तो इसी तरीके से स्मॉलेस्ट एनजियोस्पम स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पम स्मॉलेस्ट टर्डोफाइट्स एंड स्मॉलेस्ट ब्रायफाइट के नाम ध्यान रखें ठीक है और लार्ज लीफ प्लांट लार्ज ओब्यूल प्लांट लार्जेस्ट लीप लगेस्ट लीप इन सबके बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है यह आप ध्यान रखें प्लीज़ और वेरी मच फॉर इंजॉर्मेशन चले तो आज थैंक यू वेरी मच और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर